हेलो गाइस, मैं संजय पाटनी टीपी लाइव कोटा से। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप जानते हैं, जेई मेंस की तैयारी जोर शोर से आपकी चल रही है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, कंफर्टेबल पोजीशन पे हो, और कुछ बच्चों की तैयारी एवरेज लेवल की चल रही होगी, या उन्हें और ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट करने की, तो शायद वो उसी तैयारी में लग रहे हैं। जैसा कि हम सभी जने जानते हैं कि जेई मेंस एक बहुत ही प्रेस्टीजियस और एक इम्पॉर्टेंट पेपर है, और हम लोग सभी उसकी तैयारी में पूरे साल भर लगे रहते हैं। लेकिन कई बार हमारे मन में ये आता है कि अगर हमारा जेई मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, घबराना बिल्कुल नहीं है। हम लोग अगर अच्छी तैयारी करेंगे तो हमारा सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। जेई मेंस, जिससे कि हमें NIT के कॉलेजेस मिलते हैं, और जेई मेंस में क्वालिफाई करने से हमें जेई एडवांस के पेपर को देने की एलिजिबिलिटी मिलती है। तो जेई मेंस देने से जो NIT में हमें एडमिशन मिलता है, तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ NITs, अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि कितने NITs हैं, कितनी सीटें हैं, तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि टोटल 31 NITs हैं, जिनके अंदर 17,980 के करीब सीट्स हैं, जिनमें फीमेल का अलग एक रिजर्वेशन भी रहता है। अगर हम देखें कि जेई मेंस के अलावा हमारे पास और कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो बच्चों आज मैं उसी के ऊपर आपको ये वैल्यूबल वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि जेई मेंस के बाद अब हमारा क्या होगा, तो ऐसे बच्चे बिल्कुल निराश ना हो। जेई मेंस ही एक हमारे लिए मंजिल नहीं है, हमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जहां से अगर हमने इंजीनियरिंग करी तो डेफिनेटली हमारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा, सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा, और हम आगे बहुत तरक्की कर सकते हैं। तो वो ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो वो मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूं। आप मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वैल्यूबल वीडियो के बारे में अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए ताकि उनकी भी उलझने दूर हो जाए। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं जेई मेंस की बात कर लेता हूँ। जेई मेंस का फॉर्म निकला हुआ है 1 मार्च to 31 मार्च 2022 के लिए, और इसका जो एप्लीकेशन फीस है वो मेल कैंडिडेट के लिए 650 है, फीमेल कैंडिडेट के लिए हाफ है 325। फेज वन के एग्जाम, जैसा कि आप जानते हैं, 21 अप्रैल to 4 मई के बीच में होंगे, और सेकंड फेज के जो पेपर हैं वो 24 मई to 29 मई के बीच में होंगे। पेपर आपको पता ही है, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, और इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 17,980 के करीब सीट्स हैं टोटल। इसके अंदर जो एग्जामिनेशन सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में, वो 501 सेंटर के करीब हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से वैल्यूबल एग्जाम हैं जो जिनके फॉर्म्स हमें भरने चाहिए, जरूर भरने चाहिए। तो बच्चों, उनमें से पहला मेरे दिमाग में आता है वो है VIT वेल्लोर है। वैसे इसकी और भी 3 ब्रांचें हैं अलग अलग जगह पे, 3 और डेस्टिनेशन पे ये खुल चुका है VIT। तो सबसे पहले देखें इसके फॉर्म फिलअप करने की डेट्स क्या हैं। 2 दिसंबर 2021 को ही इसका फॉर्म चालू हो चुका है, जो कि 30 अप्रैल 2022 तक रहेगा। इसकी जो वेबसाइट है वो है vitee.vit.ac.in। एप्लीकेशन फीस क्या है, 1,250 रुपया इसकी एप्लीकेशन फीस है। एग्जामिनेशन डेट जो है वो है 17 से 25 जून के बीच में, अलग अलग स्लॉट्स में होंगी। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन कितना है, 2.5 घंटे का होगा। रिजल्ट डेट अभी इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया है, अनाउंसमेंट होते ही हम आपको जरूर बताएंगे कि इसका रिजल्ट कब आएगा। मोड ऑफ एग्जाम इसका ऑनलाइन होगा, मींस CBT मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। नंबर ऑफ सीट्स, अब हम इस पर बात कर लें, मोर देन 5,500 सीट्स हैं VIT के लिए। टोटल फीस, बच्चों यहाँ पर हमें एक बात जरूर जान रखनी है कि हमारे अपने फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए हमें कॉलेज के फॉर्म्स भरने चाहिए। जैसे हम VIT का फॉर्म भर रहे हैं तो हमें ये टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए कि 4 साल के अंदर इसकी 8 लाख रुपया कॉलेज फीस जाएगी, मीन्स 2 लाख पर ईयर के हिसाब से, और हॉस्टल फीस जो है वो अलग से देनी होगी। ऑल ओवर इंडिया में कितने एग्जामिनेशन सेंटर हैं, मोर देन 80 है। तो बच्चों, मेरा मानना है कि आपको VIT का फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, आपको ऑप्शन लेके चलना चाहिए, ऑप्शन जरूर होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम जेई मेंस का और जेई एडवांस के भरोसे ही बैठे रहें, कल को अगर कुछ पेपर हमारा 19-20 गड़बड़ हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमारे पास ऑप्शंस एटलीस्ट जरूर होने चाहिए। और ये भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जिनमें अगर आप
तैयारी करते हैं या जिनमें आप स्टडी करते हैं, तो आगे का आपका फ्यूचर सेफ और सिक्योर होता है। प्लेसमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, इसके बारे में मैं अलग से आपको डिटेल में वीडियोज अलग बनाऊंगा। आज मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि कौन कौन से फॉर्म्स आपको भरने चाहिए। उसमें सेकेंड नंबर पर आता है हमारा मणिपाल। तो मणिपाल की फॉर्म फिलिंग डेट है 1 फरवरी से 31 मार्च 2022 के बीच में है। मणिपाल की जो वेबसाइट है वो है manipal.edu। एप्लीकेशन फीस जो है वो 2000 रुपये है। एग्जामिनेशन डेट दो फेज में ये पेपर करा रहे हैं। फर्स्ट फेज है 20 से 22 मई के बीच में, सेकंड है 14 से 16 जून के बीच। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन टोटल 2 आवर्स की है और रिजल्ट की डेट उन्होंने अभी बताई नहीं है कि कब अनाउंसमेंट करेंगे। पेपर का जो मोड है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, वो वही है CBT मींस ऑनलाइन। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो ये 2280 सीट्स हैं बच्चों। 5500 सीट्स से ज़्यादा VIT में हैं, 2280 सीट्स आपकी मणिपाल के अंदर हैं। दोनों मिला लिया जाए तो लगभग 7,500-8,000 के आसपास सीट्स होती हैं। बहुत ही अच्छा, हमारे लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। फिर फीस की बात करते हैं, लगभग 4.25 लाख रुपए ईयरली इसकी फीस है और ऑल ओवर इंडिया में इसके 86 एग्जामिनेशन सेंटर हैं जहां पर आप जाकर के पेपर दे सकते हैं अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको दो इम्पॉर्टेंट कॉलेजेस के बारे में बताया, मणिपाल और VIT। हालांकि हम JEE मेंस के तो फॉर्म भर ही रहे हैं, भर भी दिया होगा तो हमारी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट वीडियोज को लेकर के हमारा TP लाइव कोटा का चैनल आपके लिए बार बार आता रहेगा। अगर आपको इसी तरह के कोई भी और डाउट्स हैं, कुछ टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं, तो मुझे चैट बॉक्स में आप जरूर लिख करके बताइएगा। और मेरा यही मानना है कि आप अगर अच्छी तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन पक्का होगा। और इसके साथ में कुछ और फॉर्म्स के बारे में मैं बताऊंगा। तब तक हम तैयारी करते रहें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें। थैंक यू।